हेलो फ्रेंड्स जीएसटी पोर्टल पर आपके लिए एक न्यू अपडेट्स आई है यह अपडेट्स 8 जनवरी 2022 को अपलोड किया गया है तो गायज एक बार आप इसे देखकर अच्छी तरह समझ लें कि किस प्रकार यह न्यू फीचर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो गायज जो अपकमिंग फंक्शनैलिटी है वह इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जी एस है फ्रेंड्स अभी तक जी में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिस्टम के द्वारा नहीं किया जाता है यदि आप अपना जी एस ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं और आपका कैश लाइबलिटी है या प्रीवियस टैक्स लाइबलिटी का पेमेंट आप करेंट जी एस में कर रहे हैं तो टैक्स के डिलेट पेमेंट के लिए आपको इंटरेस्ट का पेमेंट सेल्फ कैलकुलेशन के बेसिस पर करना होता है तो गाय इंटरेस्ट के सेल्फ कैलकुलेशन के कारण कई टैक्स पेयर्स को यह पता भी नहीं चलता था कि उसका इंटरेस्ट का लाइबिलिटी भी है और वे इंटरेस्ट के बगैर ही अपना जी एस भी फाइल कर देते थे इस केस में गवर्नमेंट को टैक्स तो मिल जाता था लेकिन इंटरेस्ट नहीं इसलिए इस नए फैसिलिटी को पोर्टल पर लॉन्च किया गया है तो चलिए इसे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है तो गई यहाँ कहा गया है कि टैक्स पेयर की सुविधा के लिए जी एस में इंटरेस्ट कैलकुलेटर का फीचर्स रिलीज किया जा रहा है इस नए फीचर का काम यह है कि वह टैक्स पेयर के द्वारा टैक्स लाइब्रिटी डिक्लेयर करने के बाद उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है उसका कैलकुलेशन करेगा सिस्टम जनरेटेड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन टैक्स पेस के जी एस टी फाइलिंग के बाद ही किया जाएगा यह सिस्टम जेनरेटेड इंटरेस्ट आपके नेक्स्ट जी एस के टेबल 5.1 में ऑटो पॉपुलेट होगा और यह फैसिलिटी उसी प्रकार होगा जिस प्रकार आप करंट मंथ के लेट फीस का पेमेंट नेक्स्ट जी एस में करते हैं फ्रेंड्स इंटरेस्ट कैलकुलेटर का मेन काम यह है कि यह आपके करेंट जी एस टी आर थ्री वी के इंटरेस्ट को तो कैलकुलेट करेगा ही साथ ही पास्ट पीरियड के किसी लाइब्रिटी का पेमेंट यदि आप करेंट पीरियड में करते हैं उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा उसका भी कैलकुलेशन यह कैलकुलेटर करेगा तो गाइज एक बार हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि यह इंटरेस्ट कैलकुलेटर किस प्रकार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करता है तो गाइज यहाँ पहला इलेस्ट्रेशन है जिसमें एक मंथली टैक्स पेयर अक्टूबर 2021 का जी एस फाइल कर रहा है तो यहाँ बताया गया है कि यह इंटरेस्ट कैलकुलेटर किस प्रकार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेगा और आपके नेक्स्ट जी एस में वह इंटरेस्ट टेबल 5.1 में अपीयर होगा तो गाइज यहाँ डिफरेंट नेचर के सप्लाइज का वैल्यू दिया गया है जिसके ऊपर आई जी एस टी एक लाख सैतालीस हजार रुपए सी जी एस टी इक्यावन हजार रुपए स्टेट टैक्स इक्यावन हजार और शेष चार लाख बीस हजार का बन रहा है फिर नीचे बताया गया है कि यह कंसोलिडेटेड टैक्स लाइब्रेटी केवल अक्टूबर दो हजार इक्कीस का ही नहीं है बल्कि इसमें जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर दो हजार इक्कीस के वैल्यूज भी इंक्लूड किए गए हैं अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए अक्टूबर 2021 के थ्री में आपको यह काम करना है कि आप सभी टैक्स पीरियड्स के लिए टैक्स के ब्रेकअप को अक्टूबर 2021 के जीएसटीआर एस थ्री में दिखाएंगे जो कि यहाँ टेबल में दिखाया गया है फिर आपके द्वारा टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप डिक्लेयर करने के बाद सिस्टम के द्वारा इजीली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जा सकेगा लेकिन भैया करंट जी एस के इम्प्लीमेंटेशन में यह गैप है जिसे कवर करने के लिए यह नया फीचर ऐड किया गया है तो अब आपके थ्री बी में नया बटन टैक्स लाइबरेटिव ब्रेकअप वॉलेंटरी ऐड किया जाएगा और यह बटन जी एस थ्री बी के पेमेंट ऑफ टैक्स पेज पर अवेलेबल होगा जिसे आप यहां देख सकते हैं जो कि नॉर्मली डिसेबल्ड रहेगा यह बटन तभी एनेबल्ड होगा जब आप मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दिखाया गया है कि इस बटन पर क्लिक करने के बाद किस प्रकार टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप वॉलेंटरी बटन एनेबल्ड हो गया है तो गाइस इस दोनों स्क्रीन में काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है आप भी इसे देख समझ सकते हैं कि आगे क्या करना है फिर यहाँ बताया गया है कि नया बटन थ्री के फाइलिंग पेज पर भी अवेलेबल रहेगा और यदि आप दोनों में से किसी भी पेज से इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको टैक्स लाइब्रेटी का टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप दिखाना पड़ेगा और जो वैल्यू आप डिक्लेयर करेंगे उसे आप हेडवाइज बाइफर्केट करके दिखाएंगे फिर आप से बटन पर क्लिक करेंगे तो जी एस टी आर थ्री बी को ई वी सी या डी एस सी से फाइल करने का बटन एनेबल्ड हो जाएगा फिर आप अपना जीएसटीआर आर थ्री बी फाइल कर सकते हैं फ्रेंड्स यह इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया गया है फिर यह इंटरेस्ट आपके सब्सिक्वेंट जी एस टी आर थ्री बी के टेबल फाइव पॉइंट वन में ऑटो पॉपुलेट होगा और आप इंटरेस्ट कंपटीशन के ब्रेकअप और मैनर्स को सिस्टम जनरेटेड जी एस थ्री पर क्लिक करके देख सकते हैं फिर यदि आपको इसमें चेंज करना है तो आप इसे कम कर सकते हैं लेकिन कम करने के टाइम आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा जिसे आप इग्नोर कर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड्स आप जी एस को फाइल करने के बाद इसके सिस्टम जनरेटेड पी को डाउनलोड करेंगे तो इसमें सिस्टम कंप्यूटर इंटरेस्ट का भी इंफॉर्मेशन दिखाई देगा पैरा टेन में बताया गया है कि जो टैक्स पेयर्स अपना थ्री बी रेगुलरली फाइल करते हैं और उनके प्रीवियस टैक्स लाइब्रेटी का डिलेड पेमेंट नहीं हुआ है उनके लिए यूजर एक्सपीरियंस में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन जो ड्यू डेट के बाद थ्री बी फाइल कर रहे हैं उनको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा और प्रीवियस टैक्स लाइब्रेटरी का भी पेमेंट कर रहे हैं तो उन्हें टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप बटन का यूज करना चाहिए तो फ्रेंड्स यह इंटरेस्ट कैलकुलेटर कितना बेनिफिशियल होगा यह अभी देखना बाकी है बाकी सरकार को टाइमली इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं आ रहा था तो उसने इस फैसिलिटी को पोर्टल पर अवेलेबल करवाया है फ्रेंड्स दैट्स ऑल इन दिस वीडियो यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक like और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग